गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड लाइक आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, मैं फाइनली कश्मीर पहुंच गया हूं। एंड आज मैं आपको दिखाऊंगा कश्मीर का जो एक सीज़न है जो है स्प्रिंग। वेल, कश्मीर में चार सीज़न होते हैं एंड और फॉल सीज़न इज सो ब्यूटीफुल। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के आसपास कैसा दिखता है कश्मीर इस वक्त। तो चलिए मेरे साथ बने रहना। तो आप ये देख सकते हो कि कितने खूबसूरत फ्लावर्स उगे हुए हैं यहाँ पे। एक ये है सूखी हुई पेड़ जो ऐसा दिखता है। और मेरे हाथ में है ये है एप्पल का फूल जो नीचे गिरा हुआ था। और ये आप देख सकते हो इसमें कितना प्यारा फूल लगे हुए हैं। कैन यू सी दिस ब्यूटीफुल प्लांट? कोई पत्तियां नहीं है, बस बिल्कुल फूल ही फूल इसमें। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि लोग कश्मीर आने में काफ़ी हिचकिचाते हैं, बट मैं सच्ची बात बताऊंगा, मैं कश्मीर काफ़ी बार आ चुका हूं और मेरी अब तक की जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो हमेशा अच्छा रहा है। एंड यहाँ के लोग भी काफ़ी हेल्पफुल एंड अच्छे हैं। एंड मैं आप सबको यही रेकमेंड करूँगा कि जब भी मौका लगे कश्मीर आप ज़रूर आना। तो चलिए हम आगे की ओर दिखाते हैं। ये देखिए है ना खूबसूरत, ये रहा आपका डल लेक। मुझे एक बात सच बताना कि ये व्यू कोई देखना नहीं चाहेगा, ये और अपने इंडिया में है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार ज़रूर आना कश्मीर। और मैं दोबारा ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, और मैं किसी के कहने पे नहीं कर रहा, मेरे अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने 6-7 बार कश्मीर आया हूँ उसका मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वेल, आज मेरा व्लॉगिंग का कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये व्यू को देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि यार इसका व्लॉग करना तो बनता है। एंड शायद आप लोगों को भी रिफ्रेश फील हो, इसी के दौरान मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर्स जो गर्मियों के आने से खुश होके खिलखिलाने लग गए हैं। अब मैं और पार्क की ओर जा रहा हूँ, आई मीन टू से पार्क की ओर। सो जो ऐसा दिखता है, दिस इज सो ब्यूटीफुल। आई मीन ऊपर से लेकर नीचे तक इसके पत्तियाँ गिरते हैं ऐसे। एंड जब भी मैं कश्मीर से बाहर रहता हूँ तो मैं इसको देखने के लिए तरसता हूँ। और ये जो आप देख रहे हो ये है चिनार की पेड़ एंड ये है उसकी सीड्स जो इस तरह से दिखता है। एंड जब हम इसको फोड़ते हैं तो इस फल से ऐसे खूबसूरत सी चीज़ निकलती है जो आप देख सकते हैं। फैज़ साहब, मैं यहाँ बैठा हूँ थोड़ी देर, काफ़ी थक गया चलते चलते इसीलिए। और आप आगे देख सकते हो वो रहा आपका श्रीनगर। मैं कोशिश करता हूँ जूम करने के लिए, ये रहा श्रीनगर। आप देख सकते हो इस व्यू के साथ आप अपने फैमिली के साथ यहाँ के आराम से कारपेट बिछा के पिकनिक मना सकते हो एंड इस नज़ारे का आनंद उठा सकते हो। और आप यहाँ देख सकते हो इस तरह से क्यूट से घर एंड ऐसे सुंदर सा व्यू। बाय द वे, कश्मीर को यूं ही इंडिया का जन्नत नहीं कहा जाता, ये हकीकत में जन्नत है जो आपका, जिसका प्रूफ आप आगे यहाँ मेरे इस वीडियो के थ्रू देख सकते हो। देखते हो कि ये है एप्पल का पेड़ एंड इसमें फ्लावर्स खिलने लगा है। एंड ये है क्यूट लिटिल हट जो मेरे सपनों का घर है, मुझे भी ऐसा घर चाहिए आगे जाके। एंड रात को यहाँ होता है आपका म्यूजिकल फाउंटेन। और आप यहाँ देख सकते हो कितना सुंदर फ्लावर्स है जो स्प्रिंग के टाइम ही आते हैं ऐसे। वैसे आपको इस फ्लावर के नाम पता हो तो मुझे ज़रूर बताना, जिसमें ओनली फ्लावर्स निकलते हैं, कोई पत्तियां नहीं दिख रहे यहाँ।
लेकिन इसके स्मेल इतना अच्छा है कि मैं आप क्या बताऊँ, ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास में किसी ने परफ्यूम मार दिया। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक मैं कश्मीर में हूँ आप लोगों को यहाँ के बहुत सारे खूबसूरत जगहों का एक्सप्लोर कराऊँ। सो इस खूबसूरत नज़ारे के साथ आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ। एंड आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे।